हेलो गाइज, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे करेंट अफेयर्स के उन 30 क्वेश्चनों की जिनका आज यहां पर आंसर दिया जाएगा। जी हाँ, जिनका भी एग्जाम है ALPCBT 2 का, वो इस प्रश्न को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रेलवे ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर के कैंडिडेट भी इस पूरे सिनेरियो को देख सकते हैं, और जिनका भी आने वाला एग्जाम दो, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे के लिए है, पर यहाँ पर रेलवे ALPCBT 2 का जिसका एग्जाम है वो खासकर देख कर जाए, क्योंकि उनके एग्जाम नज़दीक हैं। चलिए, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए, हम लेकर चलते हैं अब उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज जनवरी 2019 के करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं। चलिए, तो ये रहे वो प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार के अनुसार किस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। तो ये दोस्तों आंसर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वह राज्य जिसके कैबिनेट ने शिक्षकों के ट्रांसफर को सरल बनाते हुए नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। तो ये है दोस्तों स्टेट पंजाब, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मलेरिया के मामलों में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। तो आंसर है दोस्तों उड़ीसा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो आंसर है दोस्तों पंजाब, नोट कर लीजिएगा। हरियाणा, देखिए अगला क्वेश्चन है हरियाणा से कि हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नदी का पानी को नियमित प्रवाह बहाने के लिए कितने परियोजनाओं की मंजूरी दी है। तो कुल 11 परियोजनाओं को इन्होंने मंजूरी दे दी है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि योजना से हैं और आपके आने वाले एग्जाम में योजना से भी प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगला प्रश्न है कि वह राज्य किसकी सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा कर दी गई है। तो वह राज्य है दोस्तों पंजाब। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, वहाँ पर युवाओं को अब सरकार स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक तथा इससे तीसरे बैंक कौन सा है जो कि विलय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो विलय हुए हैं वो दोनों बैंक का नाम है देना बैंक और विजया बैंक, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की मंजूरी दे दी गई है। यह समझौता किया गया था, कब किया गया था, तो यह किया गया था 15 अगस्त 1985 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, देखिए ये स्टैटिक जीके है, ध्यान दीजिएगा, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा की गई सूची के अनुसार पाकिस्तान के जेलों में बंद भारतीय कैदियों की संख्या कितनी है। तो ये नोट कर लीजिएगा 537, ये इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत हाल ही में इसका करंट में चल रहा है इसका न्यूज, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां सरस्वती नदी के पुनर्जीवित होने के लिए ताजे पानी के बहाव के लिए परियोजना शुरू की गई है, तो वो स्टेट है दोस्तों हरियाणा। कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, तो 11, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वह बल्लेबाज जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 जनवरी को 2019 को शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया के सर जमी पर 30 शतक जड़ने वाला पहला एशियाई विकेट कीपर बन चुका है। तो ये है ऋषभ पंत, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2019 को ही बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई की गठित जो होने वाली थी वो कब तक टाल दी गई थी। तो ये 10 जनवरी तक टाली गई थी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान सरकार ने पेशावर स्थित 5 सरोवर वाले जिस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है उसका नाम क्या है। तो ये है दोस्तों पंज तीर्थ, ओके, नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान सरकार ने पेशावर में स्थित 5 सरोवरों वाले जिस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल का नाम लिया है उसका नाम है पंज तीर्थ। अगला प्रश्न है कि पंजाब से विधायक और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरविंदर सिंह फुलका ने किस पार्टी से 3 जनवरी को इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर है दोस्तों आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है इन्होंने, ओके। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस विद्यालय के छात्रों को आत्महत्या की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति की गठन की है। तो यहाँ से बहुत सारे आत्महत्याएं की केसेस आ रहे थे, तो दोस्तों इसके लिए जो वो विद्यालय का नाम है नवोदय उच्च विद्यालय, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में
दुलाई थाबी बैराज परियोजनाएं शुरू की है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों मणिपुर, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह दिन किस दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर है दोस्तों ये है 4 जनवरी 2019 को। ओके, अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार वह पदार्थ जिसमें खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग पर रोक लगाई गई है, तो आंसर है दोस्तों अखबार। ओके, निःशुल्क, अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार इस कक्षा तक योग्यता के आधार पर पास किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ये निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा जो है ये 8वीं कक्षा तक ये इसको रखा गया है इस विधेयक को, कि 8वीं कक्षा पास होने पर योग्यता पर ही इस पे आयोग मुहर लगाएगा, जी हाँ संशोधन करेगा। जी हाँ, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है कि केरल का प्रसिद्ध उत्सव जिसके चलते प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को खोला गया है। देखिए सबरीमाला मंदिर जो है फेमस किस लिए है, क्योंकि इस मंदिर में ये एक ऐसा हिंदू धर्म का मंदिर है जिसमें कि महिलाओं का जाना वर्जित है, जी हाँ, और ये केरल में स्थित है और केरल का प्रसिद्ध उत्सव है, उसका नाम है मकर बिलुक्कू, नोट कर लीजिएगा मकर बिलुक्कू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने आंकड़ों के मुताबिक राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बैंक में 2006 से 2016 के दौरान 73 बाघों की मौत कर दी है, तो आंसर है दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। और अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में कितने विकेट लेने के साथ भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, तो आंसर है दोस्तों 9 विकेट लेकर ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, चलिए ये बहुत ही खुशी की बात है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सर्वाधिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने और एक को FPO लाने की अनुमति दी है, तो आंसर है 6, नोट कर लीजिएगा आंसर है 6। ओके, और भारत ने जैव विविधता परिषद के तहत कितने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो आंसर है दोस्तों टोटल 12, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 की प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है रॉस द्वीप नाम से था, उसका नाम क्या रख दिया गया है, तो उसका नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अब हमारा 26 की है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही अंडमान निकोबार में एक और है द्वीप जिसका नाम था हैवलॉक द्वीप, उसका नाम चेंज करके रखा गया है स्वराज द्वीप। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयं सेवक अभियान शुरू किया था, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों हरियाणा, जी हाँ नोट कर लीजिएगा हरियाणा। भुवन सोम और मृग्या नामक फिल्मों के निर्देशक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम है मृणाल सेन, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आ सकता है एग्जाम में। और अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आम चुनाव में लगातार कितनी बार बहुमत हासिल की है, तो देखो आम चुनाव में इन्होंने लगातार तीसरी बार हासिल की है और ये चौथी बार बन चुकी हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ओके, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस सुपर 30 का, कि केंद्र सरकार के अनुसार जिस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक मुक्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं, तो ये टोटल कितने थे दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 6 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो सुपर 30 क्वेश्चन थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी, और जितने भी अभी एग्जाम आपके होने वाले हैं उन सभी के पेपर के लिए भी इन मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न थे। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आपको यहाँ से देखकर अगर आपके पास रखना हो तो इनको मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम है हमारा @education_ki86, वहाँ जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और हाँ दोस्तों, मैं पर डे आपको ऐसे ही करेंट अफेयर लाता रहूँगा जो कि आपके ALP CBT 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज के लिए हमारे साथ यहाँ पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।